एक बहुत बड़ा सुधार ये सरकार ने किया है जिसका नाम है जीएसटी। जीएसटी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सुधार है। दुनिया में सबसे बड़ा बिक्री और सेवा कर का अगर कोई सुधार हुआ है तो हिंदुस्तान का जीएसटी है, क्योंकि हमारे अर्थतंत्र का जो आकार है उसमें कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। इतने सारे राज्य, इतने सारे दल, इसमें जीएसटी कभी इंप्लीमेंट हो पाएगा इसकी किसी को कल्पना नहीं थी। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश ने एक देश एक कर का स्वप्न साकार कर लिया है। पूरे देश में एक समान कर की व्यवस्था हो रही है। माननीय सभापति महोदय, इस पर बहुत सारी राजनीति सदन के बाहर हुई। मुझे लगता है मुझे इसके बारे में जो सत्य हकीकत है वो कहनी चाहिए। सबसे पहले तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, जब कांग्रेस की सरकार थी तब जीएसटी का विरोध किया था। सभापति महोदय, ये बात सत्य नहीं है। मैं बताता हूं, सुन लीजिए ना। मैं बताता हूं, अरे सुनिए ना आनंद जी, आप सुनिए। सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने कभी जीएसटी का विरोध नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी ने जीएसटी के तरीकों का विरोध किया। और सरकारों को क्यों भरोसा नहीं था? क्योंकि यूपीए सरकार ही एक कर सुधार लेकर आई थी, सीएसटी को 4% से घटाकर 2% कर लिया था। आपको याद होगा कि 4% से घटाकर 2% हुआ था, जो घाटा था राज्यों को आप लोगों को चुकाना था, यूपीए सरकार ने चुकाना था। मगर साहब, वादा खिलाफी हुई, राज्यों को घाटा चुकाया नहीं गया। 37,000 करोड़ रुपया एनडीए सरकार ने चुकाने का काम। क्यों भरोसा नहीं था राज्यों को? फेडरल स्ट्रक्चर की भावना को किसने नष्ट किया? जब एक वचन दिया जाता है, वचन की पालना नहीं होती है तो कोई भरोसा नहीं करेगा। और सब राज्य चिंतित थे, सब राज्य जीएसटी से नहीं डरते थे, जीएसटी के कारण राज्यों पर जो बोझ आने वाला है इससे डरते थे। सब कहते थे कि इंप्लीमेंटेशन के वक्त अगर आय कम हुई तो हम राज्य कैसे चलाएंगे, राज्य की जन कल्याण की योजनाओं को कैसे आगे बढ़ाएंगे। और राज्य की जन कल्याण की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनके मन में एक सवाल था जिसका समाधान हमारे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने ढूंढा। 14% रेवेन्यू पर बढ़ोतरी देने का वादा किया। तब जाकर सभी राज्य सहमत हुए, सभी राज्य तब सहमत हुए। सभापति महोदय, बाद में जब आपको मौका मिलेगा, प्लीज डू नॉट गो ऑन रिकॉर्ड वाइडली वेस्ट विद एनर्जी। सभापति महोदय, ये 14% रेवेन्यू ग्रोथ का जो हमने वादा किया वो सिर्फ शाब्दिक वादा नहीं था, सीएसटी की तरह शाब्दिक वादा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी हर राज्य को दी गई है कि अगर आपकी आय कम होती है तो भारत सरकार उसका भुगतान करेगी। और 22 राज्यों को आज वो नुकसान का भुगतान भारत सरकार कर रही है। इसलिए भरोसा बना है सभापति महोदय। विरोध इसलिए था कि भरोसा नहीं था। हमने भरोसा पैदा करे ऐसा काम किया, ऐसा रास्ता ढूंढा, तब जाकर जीएसटी पास हुआ है। सभापति महोदय, जीएसटी को इतने विकराल तरीके से लोगों के सामने रखा जा रहा है जैसे बहुत बड़ी दिक्कतें आने वाली है। देश का व्यापार बंद हो जाएगा, छोटे और मध्यम व्यापारियों की दुकानें बंद हो जाएगी, लघु उद्योग बंद हो जाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने इसका डीप स्टडी किया है सभापति महोदय, कुछ नहीं होने वाला है। जीएसटी के कारण देश का व्यापार बढ़ने वाला है, लघु उद्योग और छोटे व्यापारी और मजबूत होने वाले हैं। सभापति महोदय, पहले इस देश की स्थिति क्या थी? 17 प्रकार के अलग अलग टैक्स थे, एक्साइज से लेकर ऑक्ट्रॉय तक, और 17 टैक्स से 23 प्रकार के सेस लगते थे। 17 टैक्स और 23 सेस, उसको समाप्त कर एक टैक्स बनाया गया। सभापति महोदय, व्यापारी की दिक्कत कभी बढ़ नहीं सकती, कम होती है। पहले 15 इंस्पेक्टरों को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाने पड़ते थे, 15 इंस्पेक्टर को, आज एक ही इंस्पेक्टर से डील करना है। सभापति, एक ही इंस्पेक्टर से डील करना है। और जो जिन सदस्यों को संशय है कि जीएसटी के माध्यम से दिक्कतें बढ़ेगी, सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से उनको अनुरोध है कि आप एक बार चुंगी की जब रेड हो जाती है वो व्यापारी को जाकर मिलिए। अग्रवाल जी तो यहां बैठे हैं, उनको मालूम है चुंगी की जब रेड होती है तब क्या होता है। सेल टैक्स के नाके पर जो एक एक दिन की लंबी
ट्रांसपोर्ट की लाइनें लग जाती थी ट्रक्स की, उस वक्त स्थिति क्या होती थी? ट्रक का उपयोग उतना उसका कितना कम हो जाता था, कितना महंगा पड़ता था ट्रांसपोर्टेशन, ये जरा उसको पूछिए। 15 इंस्पेक्टर की जगह एक इंस्पेक्टर अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को देखेगा, मुझे नहीं लगता कोई व्यापारी इसका विरोध करेगा।